नमस्कार, मैं हरदेश वाजपेयी। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज विशेष चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ राजकुमार तिरपुड़े जी साथ में मौजूद है, जो कि विदर्भ माजा इस पार्टी के संस्थापक हैं। हमसे जानेंगे कि पहले विदर्भ संगठन और अब पार्टी के स्वरूप में जब वो आ चुके हैं और नगर परिषद से उनकी सीटें आई हुई हैं, अब वो खुद को पार्टी में किस तरह सफल मानते हैं, उससे हम बातचीत करेंगे। राजकुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारा अपना वैल्यूएबल समय हमको दिया। थैंक यू। आपके चैनल को भी बधाई नव वर्ष की, और आप इंटरव्यूअर है जो देखने वाले हैं उनको भी मेरा नव वर्ष के लिए। राजकुमार जी, अगर बात की जाए विदर्भ की जी, तो विदर्भ माजा या आपकी जो पार्टी है जी, अभी बेसिकली उसको पार्टी कह सकते हैं। पहले माजा विदर्भ संगठन के रूप में बाहर आई थी, और अभी किस तरह से कार्य चल रहा है उसके बारे में हमको बताना चाहते हैं। ऐसा है कि विदर्भ माजा पार्टी 16 जनवरी माने आगे आने वाले दो दिन के बाद में परसों उसको एक साल पूरा हो जाएगा। हमने इसकी स्थापना 16 जनवरी को पिछले साल की थी 2016 में, और अभी हम 2017 में, तो उसको परसों एक साल पूरा हो जाएगा। और ये सब इसलिए हमने किया क्योंकि हम लोग करीब 40 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं विदर्भ के हर इसमें कोशिश करते रहे कि विदर्भ का आंदोलन चलता रहे और विदर्भ के बारे में कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण से इस पर विचार हो, ताकि हमको विदर्भ मिले। क्योंकि अब ये मान लिया गया है कि छोटे राज्य अपना विकास अच्छा कर सकते, तो हम लोग इस ढंग से एक कोशिश कर रहे थे आंदोलन से कि हमको विदर्भ मिल जाए। हमारी मांग जैसे है वैसे तेलंगाना की भी मांग हमारे साथ की है, पुरानी है। फजल अली कमीशन ने जो छोटे स्टेट्स रेकमेंड किए थे, दिए थे, उसमें तेलंगाना था और विदर्भ था। तेलंगाना तो हो गया और विदर्भ जैसा का वैसा रहा। सवाल ऐसा है, ये इशू को, विदर्भ को कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान दिया नहीं। उनका एजेंडा भी नहीं रहा कि विदर्भ राज्य होना चाहिए। राष्ट्रवादी एक जो पार्टी है उनका विरोध रहा। शिवसेना और महाराष्ट्र नव निर्माण राज्य समिति, ये इनका भी विरोध है। रह गया था बीजेपी, तो बीजेपी ने 1994 में भुवनेश्वर के अधिवेशन में कहा था कि हम विदर्भ हमारा मुद्दा है और हम विदर्भ राज्य देंगे। आज उसको 22 साल हो गए। बीच में उनको एक मौका मिला था जब वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त जिन्होंने आंदोलन ही नहीं किया, जिनका वो इशू ही नहीं था, झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़, ये तीन राज्य बने। और विदर्भ जैसा था वैसा रहा। तो ये हम लोग आंदोलन करते रहे, कोशिश करते रहे, लोग मांग करते रहे हमेशा कहीं ना कहीं किसी माध्यम से। तो सवाल ये आया कि हम लोग आज तक ऐसे पार्टियों को वोट देते आए विदर्भ की जनता, कि 90% लोगों को विदर्भ होना है, और हम लोग वोट किसको देते हैं, जिनका एजेंडा नहीं है या जिनका विरोध है। अब बीजेपी ने भी इशू छोड़ दिया है विदर्भ का, जो उनके बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कह दिया विदर्भ हमारा एजेंडा नहीं है और हम लोग ये कहना और करना नहीं चाहते जी। राजकुमार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि विदर्भ की बात बहुत सालों से चलते आ रही है, आपने भी बताया कि 40 सालों से संघर्ष चल रहा है विदर्भ के लिए, तेलंगाना अलग हो गया। मैं कह आपसे जानना चाहूँगा कि जनता जानना चाहती है कि विदर्भ अलग होने से किस तरह के फायदे विदर्भवासियों को हो सकते हैं। ऐसा है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जितने छोटे राज्य रहेंगे वो अच्छा अपना विकास कर सकते हैं।
और उनकी जो एक्सेसिबल होना चाहिए, राजधानी आपको एक्सेसिबल होना चाहिए, राजधानी को उनकी जनता एक्सेसिबल होनी चाहिए। आप बताइए मुझे कि मैं यहाँ से नागपुर से यदि बम्बई जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ तो मुझे उतना ही टाइम लगता है। दिल्ली जा रहा हूँ या बम्बई जा रहा हूँ, हवाई जहाज से जा रहा हूँ या ट्रेन से जा रहा हूँ, मुझे उतना ही टाइम लगता है। एक आध 15-20 मिनट का फर्क होता है, एक आध घंटे का होता है। मैं ये आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मेरे लिए जितनी दिल्ली दूर है उतनी बम्बई दूर है, बम्बई तो मैं एक ही स्टेट में जा रहा हूँ, प्रवास कर रहा हूँ, जब दिल्ली जाता हूँ तो 5 स्टेट क्रॉस करके जाता हूँ। मध्य प्रदेश है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान का एक पार्ट आता है, हरियाणा का आता है, फिर हम कहीं दिल्ली वेल्ली जाते हैं। मैंने यही सवाल मुझसे किसी ने पूछा था दिल्ली में, तो मैंने उसको यही जवाब दिया था कि सेट ना, ये बात सही है। कहने का मतलब, एक मेरे जैसे नागपुर के आदमी को जब बम्बई दूर है, दिल्ली दूर है, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट है, आम आदमी जा नहीं सकता बम्बई अपने ये लेके। आज यदि वो 200-300 किलोमीटर के दायरे में है तो वो आराम से आ सकता है, जा सकता है, सुबह आएगा शाम को अपने घर चले जाएगा। आज बड़े स्टेट में जाएगा, आज बम्बई जाएगा, एक तो रहने का प्रॉब्लम है, फिर उसको वहाँ 2-3 दिन रहने पड़ेंगे। ये सब बातें बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। और दूसरी बात ऐसा है कि हम लोग अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं छोटे राज्य, क्योंकि हर एक राज्यों की, छोटे राज्यों की या वो प्रांतों की समस्याएं अलग अलग होती हैं। और इतने बड़े स्टेट में फिर आपका वो दायरा बढ़ जाता है, फिर आप वो पर्टिकुलर समस्या को ध्यान नहीं से देख सकते। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन है कि छोटे राज्य अच्छे रह सकते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ इसका, कि महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान के आप स्टेट लीजिए, तो हिंदुस्तान के जो स्टेट्स है इसमें से विदर्भ जो है वो करीब वेस्ट बंगाल से छोटा है, विदर्भ जो है वो जियोग्राफिकली वेस्ट बंगाल से बड़ा है, बिहार से बड़ा है आपका, तो ये बड़े बड़े जो स्टेट्स है इनसे बड़ा है। और हम करीब करीब तेलंगाना भी हमसे थोड़ा सा बड़ा है, पर कहने का मतलब इतने बड़े बड़े स्टेट्स है वो हमारा जियोग्राफिकल एरिया देखिए उनका, ये सब हमने बाकायदा स्टडी किया है, लोगों को बताया है। अब जैसा एक बहुत हमारे घर में एक छोटा सा जिला आता है भंडारा जिला, वो करीब 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, या उतना वो छोटा जिला वो गोवा के बराबर है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई मापदंड भी नहीं है कि कैसा स्टेट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ना जियोग्राफिकल है ना लिंग्विस्टिक हिसाब से। ओके, तो मैं ये जानना चाहूँगा राजकुमार जी कि भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने बहुत से वादे किए थे विदर्भ को लेकर। जी, हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जी फडणवीस जो है, इन्होंने विदर्भ को लेके एक अलग ही राजकारण छेड़ा था उस दौर पे, बट अभी वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को ही भूल गए हैं, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने ये, मैंने मेरे बारे में सोचा है कि विदर्भ के मूवमेंट में जो भी आदमी कभी जुड़ा हुआ हो या जुड़ा रहा उसके खिलाफ मैं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कम से कम जुड़ा तो रहा। अब सवाल ये आता है कि उनके मन जो हमारी डिमांड है या उनकी पहले डिमांड थी वो पूरी कैसी हो, ये मेन बात है। तो मैं जो भी कहीं इस आंदोलन में जो भी नेता संगठन जुड़े रहे, बाद में भी वो बैकआउट हो गए या ये हो गए, उनके बारे में कुछ कहूँगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए एक ऐसे मुद्दे को उठाना जिससे पूरा विदर्भ सहिष्णुता में जुड़ा हुआ, ऐसे मुद्दे को उठाना, फायदा ले लेना और बाद में उस मुद्दे को भूल जाना, ये कहीं ना कहीं आपको सेल्फिश जो ये है उस तरह नहीं लगता? अब ये ऐसा है, ये मुद्दा लोगों को मालूम है, क्योंकि इनके कुछ नेताओं ने वादा किया था कि यदि हम चुन के आते हैं तो हम 3 महीने के अंदर विदर्भ दे देंगे। तो ये जनता जानती है, जनता को मालूम है, सब मालूम है। और क्या है, जनता ही
बहुत बड़ी ताकत होती है, उनका जो मैंडेट रहता है या उनका जो बैलेट के माध्यम से बता देती है। जैसे हमारे यहाँ हम पहली बार इलेक्शन में विदर्भ माजा ऑफिशियली उतरी काटोल नगर परिषद में, और वहाँ जो हमको मैंडेट मिला शायद वो जनता की 90% जनता की इच्छा है कि उनको विदर्भ। जी सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपने मुझे बताया कि आने वाले दो दिन में विदर्भ माजा जो हम पार्टी है उसका जिनके वर्षगांठ है जी, उस मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं। थैंक यू। आपने इन एक साल में बहुत ही परिश्रम के साथ में विदर्भ माजा इस पार्टी के लिए काम किया है। मुझे आपने बताया कि काटोल में आपकी एक अविस्मरणीय जीत हुई है जिसका नतीजा आपके आंखों पर भी नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा परिश्रम आपने उस चुनाव में किया, तो किस तरह की तकलीफें आपको इस दौरान थी उसमें जानना चाहूँगा। ऐसा होता है कि जब नया पक्ष आता है तो नया पक्ष आने के बाद में हम लोग जब लोगों को बोलते हैं कि अपना नया पक्ष आता है तो उनको थोड़ी झिझक होती है, उसका रीज़न रहता है। और जो कैंडिडेट्स होते हैं या मतदाताओं की बात नहीं कहता मैं, जो उम्मीदवार होते हैं उनको लगता है नहीं ये नई पार्टी है मैं इनकी टिकट कैसे दूँ, उसका रीज़न है कि हम अनटेस्टेड रहते हैं। नई पार्टी होने से हमारा कहीं परफॉर्मेंस दिखाई नहीं, तो परफॉर्मेंस नहीं दिखने से वो तो उनके झिझक रहती है हमारे उम्मीदवार बनने की। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे पार्टियों के पास जाते हैं और ऐसे टिकट लेते हैं, ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जो टॉप पार्टीज है उनके पास जाते हैं, भीड़ लगी रहती है, टिकटों के लिए मारामारी होती है, बहुत सारे तरीके चलते हैं, ये होता है। तो हमारे पास में ये तकलीफ आई कि लोगों को 90% लोगों को विदर्भ होना है पर टिकटें कहीं और मांग रहे उम्मीदवार, वोटर तैयार है वोट देने के लिए विदर्भ के नाम पे, पर जो नेता है वो भाई कहीं और टिकटें मांग रहे, ऐसी पोजीशन रही। और यही काटोल में दिखा कि लैंडस्लाइड जिसको बोलते विक्ट्री वो हो गई, जो बड़ी बड़ी पार्टीज है वो कहीं दिखी नहीं। अगर देखा जाए तो इस नगर परिषद के इलेक्शन में देखा गया है कि सीएम साहब और पालक मंत्री जी खुद पूरी तरह सब तरफ अपनी पूरी ताकत केंद्रीय मंत्री जी पूरी कैबिनेट सबने मिलकर ताकत लगा ली थी इस इलेक्शन को लेकर, यहाँ तक कि मुन्नटीवार साहब जो है उन्होंने भी अपने दमखम के साथ में पूरी तरह प्रचार करने की कोशिश की। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जो मोदी लगातार आज से कुछ साल पहले जो चली थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, उसके वजह से उनकी सरकार खतरे में, ऐसा कुछ? पर हम लोगों ने जो इशू बनाया था, हमारा एक ही इशू था, वो था विदर्भ, और विदर्भ का मुद्दा लेके हम लोग मतदाताओं के पास गए थे। और ये सब एक्सेप्टेड है आज के डेट में कि हर विदर्भ के हर नागरिक को 90% मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि हमको अब जब तक विदर्भ होता नहीं है हमारा विकास होता नहीं, क्योंकि वो बाजू का उदाहरण देखते हैं, छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखते हैं, तेलंगाना का उदाहरण देखते हैं, और उनको लगता है नहीं छोटा राज्य बनने से हम लोग बहुत फास्ट हमारा डेवलपमेंट होगा, विकास होगा हमारे ये सब हो। क्योंकि छत्तीसगढ़ का आप देखिए, आज से 15 साल पहले मैं जोगी जी को मिलने गया था, तो वो एक कलेक्टर के घर में रहते थे, 15 साल में एयरपोर्ट जो था उनका, वहाँ एक हवाई जहाज आता था, एयरपोर्ट बन गया था, पर एक दिन के बाद में एक हवाई जहाज आता था। आज ऐसी है पोजीशन, आज 33 फ्लाइट्स रायपुर से उड़ती है और हमारे यहाँ 16 फ्लाइट है अभी तक, उस वक्त हमारे यहाँ 4 फ्लाइट रहती थी 15 साल पहले, और वहाँ तो एक दिन के बाद में एक फ्लाइट आती थी रायपुर नागपुर वाया दिल्ली। ये एक मैं ये नहीं बोलता हवाई जहाज उड़ रही इसमें विकास, पर एक कहीं ना कहीं तो आप उसका उसमें लेंगे ना मापदंड जो होता है उसमें, तो आप लेंगे कि ये होता विकास। आप देखिए जाके हमारा विदर्भ आप क्रॉस करिए, आप छत्तीसगढ़ में प्रवेश करिए, आपको विकास खुद ही दिखेगा, आपके पास चैनल है सब है। तो मैं ये बोस्टिंग नहीं करता, छोटे राज्यों का विकास अच्छे से हो सकता है, यहाँ के हम लोग अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, ये सब बात है। जी We'll be right back.
स्वागत है जेम इंडिया न्यूज में। आप देख रहे थे विशेष चर्चा, हम बातचीत कर रहे थे राजकुमार त्रिपुरे जी से। सर आप मुझे बताइए कि अभी जो इलेक्शन जो हुआ है नए प्रेशर का, इस दौरान आपने जो मेहनत की, जो जीत आपको एक अविस्मरणीय जीत जो आपको सौगात मिली है, आगे उस जीत को लेके किस तरह की आपके विचारधारणा है, आगे क्या आप कार्य करना चाहेंगे और इस जीत का परचम और कितने दिन तक लहराना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा। ऐसा है, एक साल में ये हो रहा है इसके, और अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अभी आगे एक महीने में करीब करीब ये समझ के चाहिए चलिए कि पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शंस है, माने आप मिनी इलेक्शंस बोल सकते हैं या मिनी टेस्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। और हमारे विदर्भ में भी स्पेशली महानगर पालिका कॉरपोरेशन की इलेक्शंस है, ग्राम जिला परिषद के इलेक्शंस है, पंचायत के इलेक्शंस है, पंचायत समितियों के इलेक्शंस है, ये एक ही महीने में। और हम लोग इसमें काफ़ी सब जगह कोशिश कर रहे थे, इधर माझा सब जगह ये इलेक्शंस लड़े, अच्छे पैमाने में लड़े, अच्छे ढंग से लड़े, और अच्छे कैंडिडेट जो जिनको विदर्भ होना है, जिनको विदर्भ के बारे में प्रेम है, ऐसे उम्मीदवारों को हम उम्मीदवारी देना चाहते हैं और इसमें हम लोग लगे हैं काफ़ी जी। अब बात अगर करें यंग लोगों की, अगर बात अगर की जाए, तो कहीं ना कहीं जो नागपुर के और विदर्भ के जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं विदर्भ का जो मुद्दा है भूलते जा रहे हैं। बहुत से यंग लड़के जो हैं, या आपको विदर्भ के मुद्दे में साथ में नहीं दिख रहे हैं, तो चैनल के माध्यम से उनको किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? जी ऐसा है, विदर्भ पहले एक एक जमाना था कि यहाँ लोग पढ़ने आते थे, हम यहाँ पढ़ने आते थे कि राजधानी की पहले सीपीएंड विराट की, यहाँ सब है, गवर्नर हाउस है, इसलिए मुख्यमंत्री का बंगला भी है, आरामदारों का भी निवास स्थान है, सब है सब है। हमसे 1960 में हमारी राजधानी छीनी गई, फिर हमको एक उपराजधानी का दर्जा दिया गया। आज वो उपराजधानी का जो दर्जा है वो नाम का है। अब उपराजधानी सही माने में तो पूना बन गई है, और हम नाम के ही उपराजधानी वाले, ये कहीं ना कहीं मन में खलता है। शायद मैं आपको बता रहा था कि बड़ी एजुकेशन पहले अब था, एक्स प्राइम बने नरसिंह राव जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पढ़ के गए, पूरे हिंदुस्तान से अच्छे अच्छे लोग यहाँ पढ़ने आते थे। अब यहाँ उल्टा हो गया, अब यहाँ के लोग पूना और मुंबई जा रहे पढ़ने के लिए, नेचुरली वहाँ पढ़ने के बाद जॉब प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होने से पूना मुंबई में सेटल हो रहे हैं। और विदर्भ के जनता में एक ऐसी भावना हो रही है कि ये अभी धीरे धीरे वृद्धाश्रम बन रहा है, घर का कोई ना कोई परिवार का सदस्य कहीं पूना में है, कहीं मुंबई में है, और हर आदमी चाहता है यहाँ का कि हम जब छोटे राज्य बनेंगे तो हमारा विकास होगा, हमारे बच्चे यहाँ रहेंगे हमारे साथ में। और ये जो वृद्धाश्रम बन रहा है, सीनियर सिटीजन में जो भावना है वो कहीं ना कहीं ये हो जाएगी, इसलिए सब लोग साथ में हैं। और ये आप कह रहे यूथ है नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर यूथ हमारे साथ में, पूरा यूथ भी साथ में है, ऐसा इनका कहना है। और सर मैं बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और बहुत बातें की जाएगी विदर्भ के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 के अंतिम तक के, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव तक के विदर्भ अलग कर दिया जाएगा, तो क्या लगता है आपको इस मुद्दे को क्या कहना? जी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ 22 साल हो गए उनको जब उन्होंने विदर्भ का ठहराव किया था, बीच में मौका मिला था दे नहीं पाए, आज उन्होंने वादा जो किया आज उसको 22-23 साल हो गया। लोगों ने कब तक रुकना आप बताएंगे? इसलिए हमने सोचा है कि हमारा ये आंदोलन बैलेट के द्वार पर जो चल रहा है, हम इसको बैलेट का आंदोलन बोलते हैं, ये बैलेट का आंदोलन चलता रहेगा ताकि एक दबाव बना रहे किसी के भी। राजनीति कोई भी राजनीतिक पार्टी दे रहती है वो आपके आंदोलनों से डरती नहीं है, वो डरती किससे? अपने मतदाताओं से। वो यदि मतदाता खिसक जाए कहीं और, या वोट बैंक कम हो जाए, वोट कम मिले, तब वो डरता है कहीं ना कहीं। यानी अगर ऐसा कहा जाए कि अब तक में आपका स्वरूप आंदोलन का था, लेकिन अब आप डायरेक्ट की लड़ाई करेंगे और मतदाताओं से बोलेंगे कि भी
विदर्भ माझा पार्टी के लिए आप काम करें तो साथ ही साथ विदर्भ आपको मिलेगा, यही आप कहना चाहते हैं? जी आपने देखा, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे रखी गई है। हमने बातचीत की आज राजकुमार त्रिपुरे जी से, जो विदर्भ माझा पार्टी के संस्थापक हैं। हम आपको और भी लोगों से मिलाएंगे और जानेंगे विदर्भ की बातें। तब तक आप देखते रहिए जय हिंद न्यूज़ नागपुर।